सबसे पहले गाइडलाइंस लिखें कैसे इसमें हम, ठीक है जी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, selling out assets and paying out liabilities and finally paid to the partner of the firm. Following accounts are required in process of dissolution of partnership firm. Partnership firm. ठीक है जी. नंबर वन सबसे पहले बनता है रियलाइजेशन अकाउंट. इन दिस अकाउंट ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर एक्सेप्ट कैश, बैंक पार्टनर लोन, ठीक है जी, पार्टनर लोन, ऑडिट पार्टनर लोन एंड देन सोल्ड आउट ऑल एसेट्स एंड पेड आउट ऑल लायबिलिटीज एंड एनी प्रॉफिट और लॉस transfer to capital accounts and distributed in their PSR profit sharing ratio. Number two, partners loan account. These payments related to partners made before their capital payment. ठीक है जी, capital payment से पहले ये करेंगे. Number three, partners कैपिटल अकाउंट. इन कैपिटल अकाउंट ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर ट्रांसफर विच आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू पार्ट. For example, their capital balances any asset or liability taken over by partners and their final balances are settled.
ठीक है जी। देन फाइनली बैंक ऑब्लिक कैश, ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश और बैंक ट्रांसफर टू द अकाउंट एंड दीज अकाउंट आर क्लोज देयर सेल्फ, क्लोज एक्सेल, अपने आप क्लोज, ठीक है जी। तो ये रूल्स हैं, ठीक है, इसे नोट करो। सारा दिमाग हमने इस चीज में लगाना है, एसेट बिकी कैसे, एसेट पार्टनर ले गया या किसी लायबिलिटी के बदले में हमने पे कर दिया, किसी लायबिलिटी के बदले में हमने पे कर दिया, इसको नोट करो। फिर एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखवाता हूं। लायबिलिटी में एसेट को माइनस कर देंगे, बाद में उसकी कोई एंट्री नहीं। देखो जी, आपको जो सारा दिमाग लगाना है इस चैप्टर में, सिर्फ इस चीज पे ध्यान देना कि एसेट बिकी कैसे, लायबिलिटी की पेमेंट हमने करी कैसे, कुछ ना दिया तो कैश, कुछ ना दिया होता कैश हो, ठीक है जी। नंबर थ्री, इफ गुडविल इज अपियरिंग एज एन एसेट and no information is given for its realization, then it is assumed that goodwill is not realized. Goodwill is not realized. Goodwill realized? नहीं, ठीक है जी। गुड विल रियलाइज नहीं, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी देन वी
पेड इट इन फुल। भाई जिसके भी आपने पैसे देने हैं, पहली बात तो जिसने पैसे लेने तो वो छोड़ता नहीं है कभी भी, किसी भी हालत में पैसे नहीं छोड़ेगा, अल्टीमेटली तो फुली पे कर दिया जाएगा। अल्टीमेटली उसे क्या कर दिया जाएगा, फुली पे कर दिया जाएगा। ठीक है जी, करो नोट, फिर क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बेटा जी, ठीक है जी चले आगे। बुक हम जे आर भोंगा यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन, सबसे आसान है अगर सोच के चलो, कोई गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ नहीं। सबसे पहला ध्यान हमने रियलाइजेशन पे लगाना है, रियलाइजेशन ठीक तो सब कुछ। टू सन्ड्री एसेट्स और बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, डेटर्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, स्टॉप 80 300, फर्नीचर 1200, सन्ड्री एसेट्स 20,000, लायबिलिटीज में क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स 6,000, लोन दिया हुआ है 1500। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक तो बहुत आसान लग रहा होगा। अब सारा दिमाग इसमें लगाना है कि जैसे कि ए इज टू टेक और फर्नीचर, फर्नीचर एसेट एट रियलाइज करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगी, ए ले गया जी बाय ए इज कैपिटल अकाउंट, दो चीजें ले रहा है, एक तो ले रहा है फर्नीचर और डेटर्स 20,200 वाले 18,000 में, फिलहाल तो 18,000 ही लिखेंगे। डेटर्स हैं हमारे 24,200 के, जिसमें से 20,000 वाले निकल गए, वो निकले कितने में, वो रियलाइज्ड वैल्यू है, निकले कितने में 18 में, यहाँ तो रिकॉर्ड दिखाया 18,
अब रिमेनिंग डेटर्स हमारे बचे कितने के, 4200। और बी कहता है एसेट्स ले गया है, ये लिख लिया आपने 19,000 बाय 20। क्या मतलब है, सम पार्ट ऑफ सन्ड्री एसेट्स, एक तो स्टॉक ले गया एट बुक वैल्यू, पहले तो स्टॉक लिया उसने, पूरा ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी में नहीं करना। सम पार्ट ऑफ सन्ड्री एसेट्स, पॉइंट को समझना है इसमें, 7200 बीइंग वैल्यू लेस 10%, यानी 90% ऑफ सन्ड्री एसेट उसने हमें दिए हैं 7200। देखो सन्ड्री एसेट कितने की है, 7200 डिवाइडेड बाय 8,000। तो सन्ड्री एसेट्स हैं कितने की हमारे पास, 20,000। तो ध्यान से देखो उस 20,000 का स्प्लिट क्या हुआ, 8,000 वाला पार्ट चला गया और रिमेनिंग कितना बचा, 12,000। रिमेनिंग कितना बचा, 12,000। गॉट इट, क्योंकि ये अभी आपको आ गया रियलाइज करना है, 8,000 12,000, ये तो ले गया बी, ये तो ले गया बी, ओके ये हो गया आपका 15,000 बाय सीज कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स, रिमेनिंग कितने की बची, 12,000 की, 12,000 का 90%, 10,800, ठीक है जी। और कहता है कि मैं ये लोन भी पे करूंगा, सी ने क्या बोला, टू सीज अकाउंट लोन ले लिया उसने, ऐसे मेंशन कर दो आगे, ठीक है जी। रिमेनिंग डेटर्स डेप्ट कलेक्शन एजेंसी बाय बैंक अकाउंट, रिमेनिंग डेटर्स बचे थे 4200 का 50%, 2100 मिल गए, क्रेडिटर्स ए ने लिए, ए के हमने नाम पे लिखने चाहिए थे, लिखे नहीं, जल्दबाजी में क्रेडिटर्स ए ले गया था। सारा ध्यान रियलाइजेशन पे होना चाहिए, ये ठीक होगा तभी क्वेश्चन ठीक हो पाएगा, ठीक है जी। टू बैंक एक्सपेंस, एक्सपेंस कितने की है जी, ठीक है जी, इसमें आया है हमारा लॉस आएगा, चेक कर लेते हैं, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए बी सी, 87 डेटर ने वो ये 80% में लिखे हैं, मैंने ना लिख दिए 50%, गलती है। डेटर्स हमारे बिक गए हैं 80%, थोड़ी गलती होगी, ये 20,200 वाले डेटर ले गया, इतने में बाकी बचे 4,000 का में 80%, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, 4200 रेशियो है 2:1:1, 30:1:1, ठीक है जी। ऑडिट सारा दिमाग यहीं पे लगाना, मैं बार बार कहता हूँ, 24,200 के आपके डेटर्स थे जिसमें 20,200 वाले 18,000 में गए, तो रिमेनिंग डेटर्स बचे 4,000,
है जी, कैपिटल अकाउंट्स 27,500। बाय बैलेंस ड्रॉ, इधर आ जाओ, ए का नाम आया, सी का नाम आया, लिख दो इसको इधर आओ, ये तीनों का नाम टू रियलाइजेशन अकाउंट। सारा दिमाग इस चीज में लगेगा कि हमने चीज को बेचा है। टू रियलाइजेशन लॉस, अब देखते हैं पहले बैलेंस शीट में को बैलेंस क्या है, बैंक में बैलेंस है जी आपका 35,000। उसके बाद तो बबलू हो जाता है रूल्स में, इधर आ जाओ, बैंक की ट्रांजेक्शन क्रॉस कर देने का बाय रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन अकाउंट। भाई सब क्या देख रहे हो,
या नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है? सारा ध्यान इस बात पे लगाना है कि एसेट रियलाइज करते हैं। Bills payable creditors. क्या के लोन के लिए क्या के लोन का अमाउंट बना है? 1,35,000। ठीक है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ो। कहते द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द अब मेंशन डेट, ही एग्रीड टू पे द क्रेडिटर्स एट पार। क्रेडिटर्स की पेमेंट कौन करने जा रहा है? ईज कैपिटल। तो क्यों ने फर्नीचर ले लिया है? बाय ईज कैपिटल। तो करंट अकाउंट लिखेंगे इसमें। रीजन इज दैट करंट अकाउंट लास्ट रिमेनिंग एसेट्स वर सोल्ड एट 5,53,000। ये इसने फर्नीचर लिया है कितने में? 36,000। बैंक बिल्स पेबल की पेमेंट कैसा? माइंड कर लो, एक ही एंट्री बनाओ जिससे दिक्कत ना हो। बिल्स पेबल 100% डिस्काउंट पे दिए, यानी 5,900 पेमेंट कर दी। एंड एक्सपेंसेस रहे आपके 17,001। देखते हैं प्रॉफिट है या लॉस।
ई का करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस में क्या होगा? अब इधर जितने ट्रांजेक्शन जैसे बी की ये ट्रांजेक्शन हुआ जनरल रिजर्व भी था 30,000 भाई, जनरल रिजर्व 30,000 को बांटेंगे अगर जनरल रिजर्व इन द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली 10,000 बैलेंस शीट देखो जो रिजर्व्स वगैरह हैं जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस पुराना पड़ा हुआ है वो तो कैपिटल अकाउंट में ही जाता है ठीक है जी। 2 लाख 1 लाख 1 लाख
इधर देखो बैंक की ट्रांजेक्शन है क्रॉस के इधर ले जाओ ये वाले इधर आ जाएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट बाय कैपिटल अकाउंट ई जो था ई 48 मिलियन माइनस 58 जो हमारा एम है फॉर्म को बंद कर देना बंद करोगे एसेट्स बिक जाएंगे लायबिलिटीज पे हो जाएंगी बस इस चीज पे ध्यान रखो कि बिकी कैसे कैलकुलेशन आ रहा है एंड पार्टनर का लोन अकाउंट भी था जो कि हमें इसके बाद ही निकालना चाहिए ह्यूज लोन क्योंकि पार्टनर के लोन की पेमेंट उसकी कैपिटल से पहले होगी कितनी है जी 25,000 कैपिटल की पेमेंट से पहले उसकी लोन की पेमेंट the video and copy the answer.
comes directly transferred to capital oblique current account. जैसे कि पुराना जनरल रिजर्व है, पुराना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कुछ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पड़ा हुआ है, ये पास्ट में क्रिएट हुए हैं, ठीक है ना, जनरल रिजर्व ऑब्लिक रिजर्व डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ये अगर आइटम पुरानी बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है तो उन्हें डायरेक्ट बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया। डायरेक्ट बैलेंस शीट में क्या कर दिया जाता है तो सर कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है जी। ठीक है, चले आगे इस क्वेश्चन को। जनरल रिजर्व 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 फंड कुछ भी लिखा हो, ये पुराना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं ना, इन्हें अरुण दाऊद शक्ति ए डी जो चीज जैसे है उसको साथ के साथ ट्रांसफर डेफर्ड रेवेन्यू क्रॉस होते हैं कैपिटल में चले जाए 50,000 तो 2,000 10,000 20,000 ठीक है जी। ये हमने एसेट साइड को 3,00,000 1,00,000 कुछ करंट अकाउंट भी कैश के अंदर वो भी फिर उसी में चले जाएंगे। कैपिटल एंड करंट अकाउंट प्रोपोर्शन वो होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। अब ये वो लायबिलिटी है जो हमें किसी को पे नहीं करनी पड़ेगी। रीजन ये है कि लायबिलिटी वही पे करोगे ना जो कोई मांगने आएगा, और ये पैसा हमारा ही, हमने प्रोविजन रखा हुआ है डेप्रिसिएशन नई मशीनरी के लिए। जनरल रिजर्व क्रॉस होकर इधर चला जाएगा जनरल एक 35 यानी 27,000 54,000 ये सीधा इससे गलती नहीं होगी ना। इसमें करंट अकाउंट भी है, ये सारी चीजें ना ऊपर निर्भर क्या पड़ा पहले आप समझिए क्वेश्चन को फिर नोट करना।
डिप्रिसिएशन फॉर ऑन मशीनरी 50,000, जनरल सोशल आ गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये भी यहीं आएगा, ये तो किसी को होगा नहीं, अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। देखो लाइबिलिटी वही पे करो ना जिसको मांगने के लिए कोई आएगा, जब तू मांगने नहीं आएगा तो किसको पे करो। अब सारा ध्यान हमें लगाना है रिलायबिलिटी पर, एक बार सेटल कर दिया। अब शुरू से आ जाओ, कहता कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान से देखो, कैपिटल अकाउंट्स का पहले बैलेंस लिख दो 1,02,00,000, पहला पॉइंट क्लियर कर दिया। डेटर रियलाइज 2/3 ऑफ इट्स ग्रॉस वैल्यू, यानी कि बैंक में डेटर्स किस तरफ आए 2,00,000। अच्छा, स्टॉक एंड मशीनरी 1,10,000, 2,00,000 स्टॉक मशीनरी 1,10,000, 2,00,000 इन्वेस्टमेंट अरुण ले गया जो कहीं पर रिकॉर्डेड नहीं, फिर भी हमारे लिए तो गए नहीं हो गए ना, अनरिकॉर्डेड एसेट बिक गई 2,30,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय दाऊद एंड शकील इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट्स 2, दाऊद करंट अकाउंट 2,00,000 करंट, ठीक है जी। देखो सप्लायर, अच्छा पहले एक्सपेंस को कर ही लेते हैं। दाऊद और शकील का रेशियो कितना इक्वल है, आपको 12,500 इसमें दे दिए, 12,500 इसमें दे दिए। सप्लायर हमारे क्रेडिटर्स होंगे जिन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया है 2,65,000, छूटना नहीं चाहिए पॉइंट, गड़बड़ हो जाएगा 2,00,000, ठीक है जी। एन ओल्ड मशीनरी फुली रिटर्न ऑफ सोल्ड फॉर 21,000, एक्स्ट्रा पेमेंट 1,000 मेक बैंक फॉर सोल्ड फॉर 21 वाइल एन एक्स्ट्रा पेमेंट वो क्लियर कर, ये आपकी बिक गई ओल्ड मशीनरी, ये सब चीज़ लास्ट में बंद करना, ठीक है जी। टू बैंक अकाउंट एक्सपेंस पे करना पड़ेगा, फिर भी लाइबिलिटीज को चेक करो, ये पे हो नहीं सकती, ये पे हो नहीं सकती, इसको हमने सेटल कर दिया, ठीक है जी। क्लोज कर देते हैं, बिल्कुल
बाय क्या बड़ा लगा। जितनी एंट्री कंबाइंड होगी उतना आसान हो जाएगा आगे जाना। ठीक है जी, बाय डाउट करंट कैपिटल अकाउंट 2,26,500, 2,26,500 बाय शटील कैपिटल अरुण कैपिटल पॉज द वीडियो।